तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, दिस इज प्रिंस यादव, यू आर वाचिंग द चिरू बाइकर। तो गाइस आज मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरे खुद ही नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। ऐसे मेरा मन किया कि आज ये निकलता हूँ, बाइक राइड करता हूँ, मैं अपना राइडिंग ये उठाया, पहना, चल दिया। अब कहाँ तक जाऊँगा मेरे कुछ पता नहीं है, बस चल रहा हूँ ऐसे ही। तो स्पीडिंग करने का मन था बहुत दिन से, गाड़ी घर में खड़ी थी। अब मैं भी, आप तो जानते ही होंगे ना, कोई वीडियो कोई ब्लॉग पढ़ नहीं रहा आजकल, उसके लिए फिर मैं सोचा कि यार एक आध दो ब्लॉग करते ही हैं। अब आप लोग वेट कर रहे हैं मेरे वीडियोस के लिए, कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे कि भैया वीडियो नहीं आ रही, भाई वीडियो नहीं आ रही। मैं दोस्त से पूछता भाई वीडियो आजकल तो अपलोड नहीं कर रहे हो। मैं फिर सोचा जब इतनी ज़्यादा मतलब भाई की मतलब इतनी फैन फॉलोइंग हो चुकी है, कुछ वीडियो फिर अपलोड करते हैं यार, थोड़ा अपना भी घूमना हो जाएगा और वीडियो बनाना भी हो जाएगा, यही है। तो ऐसा कुछ सीन है आज का, और बहुत लोग मेरे से पूछेंगे कि आपने जो इंस्टाग्राम पे डाली थी स्टोरी पोस्ट की थी कि सिक्किम राइड स्टार्ट होने वाली है, तो सिक्किम राइड का क्या हुआ? तो गाइस उस राइड का मैं आपके लिए बता दूं, उस राइड का भी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब कि थोड़ा ठंड में जाइए तो थोड़ा मज़ा भी आता है। इस टाइम मतलब अपना तो बजट भी नहीं हो पा रहा है, और कुछ अपने को सोच रहा हूँ मैं कि अकेले ना करके ग्रुप में करूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि ग्रुप मिलेगा तो अच्छी बात है, ग्रुप नहीं है तब तो मैं अकेले करूँगा, बट अभी के लिए मैं तो ग्रुप कुछ ढूंढ रहा हूँ, कुछ ग्रुप मेरे मिल जाए अच्छे खासे, तो उनके साथ में फिर नॉर्थ सिक्किम करूँगा। तब तक के लिए आप मेरे ही छोटे छोटे ब्लॉग देखिए, इसको खूब भरपूर प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़रूरत है गाइस, विदाउट सपोर्ट के तो मतलब क्या है यूट्यूबर और क्या है कंटेंट क्रिएटर। हाँ, अभी आप बस राइड का मज़े लीजिए, बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, आप क्यों अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है। और नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ यार, मैं आपसे हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छा क्यों नहीं लगा है। यार मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं नेपाल गया, केदारनाथ गया, वीडियो से व्यूज़ आ रहे हैं 250-300 व्यूज़ आ रहे हैं गाइस, तो सपोर्ट करिए यार, मेरे सब्सक्राइबर ही मेरी वीडियोस वॉच नहीं कर रहा, और बात छोड़िए। तो इसके लिए मैं कह रहा था सपोर्ट करिए आप लोग मेरी। और हाल फिलहाल हमारे राइडर कम्युनिटी के एक बड़ा नाम जस्ट अफजोर पाजी, उनका नेपाल राइड पे उनका हो गया एक्सीडेंट, उसको देख के गाइस लगा काफ़ी ख़राब। चाचा हमका रुकबो का भाग जाओ ना, उड़वा देंगे पुलिस वाले। देख रहे हैं पुलिस रोक रही है और गाड़ी रोक नहीं रहा है, वो भागे पड़ा है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जस्ट अफजोर पाजी का जो एक्सीडेंट हुआ है नेपाल राइड में, आप लोग से बहुत लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम तो आपको मैं बता दूं कि उनका नेपाल राइड, उन्होंने एक बाइक की जिसका नाम था H2, तो पाजी ने एक H2 बाइक की, H2 को उन्होंने नेपाल राइड स्टार्ट किया। और मैक्सिमम यार मेरे को जहाँ तक मालूम है 5-6 दिन के बाद ही मतलब वो लेके निकल गए और उनका हो गया एक्सीडेंट नेपाल के दौरान। नेपाल में वो उनका एक्सीडेंट हुआ भी तो कहाँ हुआ है, नेपाल में हुआ है, इंडिया में नहीं, वो भी नेपाल में उनका एक्सीडेंट हुआ है। और उसके चक्कर में उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, उनके जो दोनों लेग हैं वो फुल्ली फ्रैक्चर हो गए हैं पूरी तरीके से एकदम। अभी वो नेपाल में ही हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, उनका भी वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो गाइस जहाँ तक मेरे को पता है, पाजी का और जो ओल्ड बुढ़ा आदमी था उसके ऐसे आमने सामने एकदम टक्कर हुई है, तो इसके वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा मामला हो गया सीरियस, और जो वो अपने अंकल थे उनकी हो गई डेथ। तब उसके हिसाब से देखिए, अब नेपाल कानून तो कहता है कि 4 लाख रुपीस या फिर जेल। अब जो उस ओल्ड एज जो ओल्ड मैन थे उनकी फैमिली जो चाहेगी वो करना पड़ेगा पाजी को, अब चाहे वो पैसे दें या फिर वो पनिशमेंट मिले उनको नेपाल रूल के हिसाब से। पर यार हुआ बहुत बेकार, वन ऑफ द माई फेवरेट यूट्यूबर थे वो, उनको देख के मतलब मेरे को मोटिवेशन आती थी यार, उनको देख के काफ़ी अच्छा लगता था मेरे को। पाजी को देखो, पाजी उनकी हर वीडियो में वॉच करता था यार, हर वीडियो। देखो मैं दो लोग का फ़ैन हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, सिर्फ दो लोग का फ़ैन हूँ, एक द यूके जोसन राइडर और दूसरा अपना प्रभजोत पाजी। इन दोनों के ब्लॉग मैं
मेनली देखता हूँ, मतलब हर ब्लॉग इन लोग का मैं वॉच करता हूँ। एक अपने भाई हर्ष पावा, हर पल जपा तेरा नाम वाहेगुरु, उनका मतलब जो स्टार्टिंग की लाइन है ना, हर पल जपा तेरा नाम वाहेगुरु, ये तो इनका मतलब ब्लॉग में मैं काफ़ी देखता हूँ। पर मेरे फेवरेट जो दो यूट्यूबर हैं भाई, वो वही लोग हैं, एक अपना यश प्रभजोत और एक अपना अनुराग दोबल, द यूकेजोसन राइडर। तो चलिए अब आप लोग प्रे करिए, मैं ही प्रे करता हूँ कि जल्दी 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 उनका ठीक हो जाए, वो जल्दी जल्दी उनका जो लेग फ्रैक्चर हुआ है रिकवर कर जाए, दोबारा वो अपना करियर, अपना यूट्यूब, अपना बाइकिंग साला दोबारा स्टार्ट करें एकदम फाड़म फाड़। और हाँ गाइस, इस बात से मेरे को एक बात याद आई कि इस दुनिया में इतने नीच लोग पड़े हुए हैं, इतने नीच और पापी और क्या बोलें, थोड़ा सा मेरा ब्लॉग मेरी फैमिलीज भी देखती हूँ, वरना फिर मैं आपको अच्छे से बात करता ना आपसे कि मतलब किस टाइप के लोग हैं। मतलब गाइस इतनी नीचता भरी है उन लोग के अंदर कि लोग व्यूज़ पाने के लिए, गाइस लोग व्यूज़ पाने के लिए उनकी फ़ोटो पे माली चढ़ा के थंबनेल लगा रहे हैं। मतलब जो होता है ना यूट्यूब में थंबनेल में लगा रहे हैं वो लोग कि पाजी गुजर गए, पाजी मर गए, पाजी ये हो गए, यश प्रभजोत लाइव एक्सीडेंट, यश प्रभजोत को जेल हो गई, यश प्रभजोत अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, यश प्रभजोत की अंतिम यात्रा निकाल दी। बताइए इस टाइप के घटिया लोग पड़े हैं अपने यहाँ पे। मतलब यार एक बंदा का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक आदमी की डेथ हो गई, बंदा हॉस्पिटलाइज है इस वक्त, उसकी चलने कंडीशन नहीं है, भाई के दोनों दोनों पैर टूट चुके हैं, और इतने नीच लोग हैं कि वो लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अनडिसेंट मतलब लगा रहे हैं थंबनेल और क्या बताऊं यार अब मैं। तो गाइस अगर आप लोग कोई भी ये काम करने का सोच रहा है ना इस टाइप का, थंबनेल लगा के अपना व्यूज़ पाने के लिए, प्लीज़ यार ये काम मत करना गाइस, भगवान देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं, गुरुदेव देख रहे हैं गाइस, गुरु नानक जी देख रहे हैं, प्लीज़ गाइस ये सब काम मत करना आप लोग, ये सब काम प्लीज़ मत करना, किसी की मजबूरी का, किसी के हालात का फ़ायदा मत उठाना गाइस अपने व्यूज़ के लिए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है गाइस, एकदम रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग ये सब काम मत करिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और जो लोग ये काम किए भी हैं, प्लीज़ आप लोग अपनी वीडियो डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज आप लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेना की तैयारी की जा रही है। इफ़ यू डोंट, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोगों के खिलाफ से लीगल एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है आप लोग, मैं बता दूँ। तो अगर आपने से किसी ने भी ये काम किया है तो उसको मैं पहले बोल दूँ कि वो अपने ब्लॉग अपना सब कुछ डिलीट कर दे, अदरवाइज उनके साथ जो होगा वो भगवान मालिक, फिर आप लोग अपना समझिएगा। तो चलिए यही सब कुछ था, हो आई होप कि पाजी जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी वापस इंडिया आ जाए वो, दोबारा अपने YouTube में तो फिर दोबारा अपने अच्छे से ब्लॉग बनाया, हम लोग देखे उसको थोड़ा सा मोटिवेट हो, देखे उनका ब्लॉग मज़ा आए। तो चलिए अभी थोड़ा सा स्पीडिंग करने का मन कर रहा है, पर इतना ट्रैफिक है ना कि थोड़ा स्पीडिंग में कर नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ यार आप लोग मेरा ब्लॉग देखते नहीं है गाइस, प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, उसको कमेंट करिए, शेयर करिए, कुछ तो लिखिए आप लोग, कुछ तो मतलब इंगेजमेंट दिखाइए। मेरे सब्सक्राइबर गाइस 1100 हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, बट यार आप लोग 1100 सब्सक्राइबर हो गए, चैनल मोनेटाइज हो गया, भगवान की दया से इनकम भी आने लगी है, बट यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यार, यहाँ पैसे का मैटर ही नहीं, यहाँ पैसे को कोई वैल्यू ही नहीं यार, यहाँ मेरे को यार जनता बनानी है, मेरे को अपने लोग बनाने हैं, मेरे को अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है अपने खुद की, उसके लिए मेरे को आप लोग हेल्प चाहिए गाइस। तो वो लोग वो सब काम आपके बिना नहीं हो सकता, तो प्लीज़ आप लोग हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखा करिए और भरपूर मेरे वीडियो वालों को प्यार दिया करिए। चलिए थोड़ा सा करते हैं, अरे यार ताऊ ना हेलमेट ना कुछ, तो आप करते हैं स्पीडिंग अब, थोड़ा सा खाली रोड मिले तो मज़ा भी आया भगाने में। देखो 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 देखो, अरे गऊ माता गौशाला जाओ यार, रोड पे कौन रहता है, आ जाओ आ जाओ भाई, आप लोग स्पीड देखिए बस आप लोग। हंड्रेड 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 हंड्रेड, अरे 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 अरे, क्या यार कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे गाइस, लगता पॉसिबल नहीं आ रहा स्पीडिंग करना। देखो बच्चे जा रहे हैं, मेरी ना किस्मत एकदम, मैं लिखवा के आया हूँ यार पनौती, मेरे को लग रहा है गाइस। अब थोड़ा खाली रोड मिली है, अब थोड़ा गाड़ी भगाते हैं,
ना 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 ना, कोई बीच में नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा, उड़ा दूंगा साला मैं आज में। झुकेगा नहीं साला, मैं रुकेगा नहीं साला मैं आज। कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा बीच में आज, कोई भी नहीं आएगा बीच में आज। 110, 110, 120, 120 गाइस, इससे ऊपर तो नहीं हो पाया। ऐसी रोड ने यार, इस रोड पे गाइस भगाने करना थोड़ा सा मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये बाइक का फुल कॉन्फिडेंस देता है मेरे को, पर रोड पे कॉन्फिडेंस नहीं आता यार। गाइस हमारे एक गुरु जी हैं हमारे फैमिली के, तो उनसे आज मिलने का मेरा मन है। सोच रहा हूँ इस साइड आया हूँ तो गुरु जी से मिल लेता हूँ। तो गाइस अभी तो ऐसा कोई टाइम आ नहीं रहा है कि आपको मैं टनल दिखाऊँ, तो छोटी सी टनल मेरे भी एरिया में पड़ती है। इस टनल को आप देखिए, अंडरग्राउंड है साला, अंडरग्राउंड टनल है। ओहो हो, चलो जब तक लंबी राइड नहीं कर रहा हूँ मैं, तब तक इन्हीं सब टनल से घूम घूम के अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं मेरी, उनको पूरी कर लेता हूँ। बस यही थी यार टनल छोटी सी। अब इसको आप चाहे जो कह लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा। तो गाइस आपसे एक क्वेश्चन था मेरा कि मैं एक स्पोर्ट्स बाइक लेने की सोच रहा हूँ 3 लाख के अंदर। मेरा बजट 3 लाख रुपीस है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कौन सी बाइक बाय करूँ 3 लाख के अंदर। बेस्ट बाइक कौन सी होगी आपके हिसाब से, स्पोर्ट्स बाइक? R1 लूँ, या जो R3 आ रही है उसको बाय करूँ, या फिर R5 बाय करूँ, फिर अपाची 310 बाय करूँ? KTM भूल के भी नहीं, और कावासाकी निंजा फूल के नहीं, वो दोनों गाड़ी मेरे को तुम घटिया लगती हैं। चाहे KTM ले लो, चाहे कावासाकी निंजा 300 ले लो, वो दोनों गाड़ी मेरे को बहुत घटिया लगती हैं। तो उनको छोड़ के आपके पास ऑप्शन है अपाची RR 300, हाँ अपाची RR 310, R5, फिर R3 जो लॉन्च होने वाली, वो इन तीनों में से मैं कौन सी बाइक बाय करूँ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? और हाँ, अगर आप अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। प्लीज गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। ठीक है यार, एकदम डिटेल ना प्यार से बोला, अब तो यार इंस्टाग्राम फॉलो कर लो यार। देखिए रियल ब्यूटी सुकून तो यहाँ है, इस पेड़ के नीचे है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? गर्मियों के टाइम में ये पेड़, ठंडियों के टाइम में ये पेड़, मतलब यार जन्नत का काम करते हैं यार। अब बड़ा हो गया हूँ तो मेरे को बचपन याद आता है गाइस, मेरे को बचपन याद आता है। क्या बचपन हुआ करता था मेरा, चुम्मेश्वरी, मतलब यार वो दिन दिन हुआ करता था, बचपन बचपन हुआ करता था। ऐसे वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एक गज़ल है ना, ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो वही, तो ये काश ऐसा होता तो मैं कर देता। बड़े होने का क्या फ़ायदा यार, ना व्यूज जा रहे हैं, ना कुछ ना रील्स बार। सात बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लोरी ने कोई वीडियो वायरल जा रही है ना, कुछ हो रहा है, केदारनाथ चला गया, नेपाल चला गया, व्यूज यार जा ही रहे। पर जो भी हो यार, व्यूज आए या ना आए, मेरे को मजा तो आ रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना मेरे को। मेन चीज मजा होती है, मजा आना चाहिए बस। कोई भी काम करो, भरे उस काम में 5 रुपए क्यों ना आए, मजा आना चाहिए उस काम में। क्या बढ़िया था गुरु। तो मेरे को अपने काम में मजा आता है। तो गाइस 1979 की एक बुलेट है, इस पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, उसको पूरा एकदम न्यू लुक दे रहे हैं, तो उसका एक ब्लॉग जल्द ही मेरे चैनल पे आने वाला है। तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर आपको अच्छे से मॉडिफिकेशन, अच्छे से रेस्टोरेशन की वीडियोस देखनी हो आपको,
तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ से मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बी सेफ एंड राइड सेफ।